हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिटन वर्क इन अवर साइंस नोटबुक। साइंस के नोटबुक में हम हमारा रिवीजन लिख रहे थे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में हमने नंबर 6 तक लिखा था। आज उसके नीचे ही कंटिन्यू करेंगे नंबर 7। नंबर 7 है स्टीम इज द डैश फॉर्म ऑफ वाटर। तो जो स्टीम है वो वाटर का कौन सा फॉर्म है, तो आएगा गैसियस। सो राइट हियर GASEOUS, गैसियस। स्टीम है वो वाटर का गैसियस फॉर्म है। नंबर 8, वाटर अक्यूर इन डैश फॉर्म ऑफ वाटर। तो वाटर किस में अक्यूर होता है, वाटर के कौन से फॉर्म में अक्यूर होता है, तो आएगा लिक्विड फॉर्म में। सो राइट हियर LIQUID, लिक्विड। वाटर अक्यूर्स इन लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। नंबर 9, अ सनी मॉर्निंग इज डैश। सनी मॉर्निंग कैसी होती है, प्लेजेंट। सो राइट हियर PLEASANT, प्लेजेंट। नंबर 10, एवरीवन स्टार्ट्स वर्किंग इन डैश। सब लोग अपना काम करना कब स्टार्ट करते हैं, डेलाइट में, DAYLIGHT, डेलाइट। नंबर 11, व्हेन वाटर इज हीटेड इट टर्न्स इनटू डैश। जब वाटर हीट यानी गर्म होता है तो वो किस में टर्न होता है, स्टीम में, STEAM, स्टीम। नंबर 12, When steam is cooled, it turn into dash. जब स्टीम कूल होती है तो वो किस में टर्न होती है, वाटर में, WATER, वाटर। नंबर 13, सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ डैश। सब माउंटेन है वो किससे कवर्ड होते हैं, स्नो से, SNOW, स्नो। नंबर 14, डैश समर सन इज वेरी हॉट। कौन सा समर का सन बहुत ज्यादा हॉट होता है, तो मिडनून का, MIDNOON, मिडनून समर सन इज वेरी हॉट। नंबर 15, अ पर्सन अवे फ्रॉम द फायर फील्स डैश वार्म्थ। अगर कोई पर्सन फायर से दूर बैठा है तो उसको कैसा वार्म्थ लगेगा, लेस लगेगा, LESS, लेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम्स। तो पहले लिखो नंबर 1 प्योर वाटर, नंबर 2 डर्टी वाटर, नंबर 3 आइस इनटू वाटर, नंबर 4 अ क्लाउडी डे, नंबर 5 सेल्टी वाटर, नंबर 6 वाटर इनटू आइस, नंबर 7 ग्राउंड वाटर, नंबर 8 द सन हेल्प्स, नंबर 9 द सन, नंबर 10 वाटर इनटू वाटर वेपर। नेक्स्ट लिखो मेल्टिंग, सी, ट्यूबवेल, फ्रीजिंग, बॉइल्ड वाटर, इवेपोरेशन, रिवर, वेरी हॉट, टू रिपन फ्रूट्स, नॉट वेरी हॉट। तो आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे कि प्योर वाटर, तो प्योर वाटर कौन सा होता है, बॉइल्ड वाटर, तो बॉइल्ड वाटर के सामने प्योर वाटर का नंबर क्या है, 1, तो 1 यहां पे लिखेंगे। नेक्स्ट है डर्टी वाटर, तो डर्टी वाटर कौन सा होता है, रिवर का, तो यहाँ नंबर 2 लिखेंगे। आइस इन टू वाटर तो क्या होता है, मेल्टिंग, तो यहाँ पे आएगा 3 नंबर। अ क्लाउडी डे नॉट वेरी हॉट, तो यहाँ पे आएगा 4 नंबर। सेल्टी वाटर, तो सेल्टी वाटर कौन सा होता है, सी का, तो यहाँ पे आएगा 5 नंबर। वाटर इन टू आइस, वाटर इन टू आइस यानी फ्रीजिंग, फ्रीजिंग के सामने 6 नंबर। ग्राउंड वाटर किससे निकलता है, ट्यूबवेल, तो यहाँ पे 7 नंबर। द सन हेल्प्स टू रिपन द फ्रूट्स, 8 नंबर। द सन वेरी हॉट, 9 नंबर।
एंड वाटर इनटू वाटर वेपर इज इवेपोरेशन, यानी 10 नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टिक राइट द करेक्ट वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड. नंबर 1 है वाटर दैट वी ड्रिंक इज सॉलिड या लिक्विड. जो पानी हम पीते हैं वो सॉलिड होता है या लिक्विड? तो लिक्विड होता है, तो लिक्विड के ऊपर राइट करना है. नंबर 2, स्टीम कम्स आउट ऑफ फूड विच इज हॉट या कोल्ड. स्टीम के कौन से फूड में से निकलती है, हॉट या कोल्ड? तो आएगा हॉट, तो हॉट के ऊपर राइट करो. नंबर 3, वी गेट रेन्स इन मॉनसून या विंटर, मॉनसून. नंबर 4, एन एरोप्लेन इज बिग या स्मॉल व्हीकल, तो बिग व्हीकल. नंबर 5, द मिडनून समर सन इज कोल्ड या हॉट, हॉट. नंबर 6, द सन ब्रिंग्स लाइट या डार्कनेस, लाइट. नंबर 7, व्हेन द सन राइजेस द डे या द नाइट बिगिंस, तो आएगा द डे बिगिंस. नंबर 8, एट नाइट वी स्विच ऑन या स्विच ऑफ द लाइट, तो आएगा स्विच ऑन लाइट. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ओवर करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6. बाय एवरीवन.